सो भोजन की हो गई है समाप्ति और अब चलते हैं सेंटर आइलैंड के व्यू पॉइंट पे। राइट सो ये देखिए, ये बीच एरिया बना हुआ है एंड ब्रेकर्स, वाटर ब्रेकर्स लगे हुए हैं सो दैट यू कैन स्विम इजीली। एंड यहाँ पे सीगल बर्ड्स स्पॉट किए जा सकते हैं, ये देखिए उड़ रहे हैं और काफ़ी खुशनुमा मिजाज मौसम का। बीच में थोड़ा सा बारिश का माहौल बन गया था, बट अगेन नाउ द सन इज बैक एंड मज़ा आ रहा है। सो लोग यहाँ पे आए हैं, मज़े कर रहे हैं। और ये देखिए द स्मॉल सेलिंग बोट्स हवा के सहारे जो सेल करते हैं। एंड दिस इज़ द सेंट्रल आइलैंड बीच। और ये मैडम जी बहुत ही बढ़िया फील। ओके सो दिस इज द पॉइंट। यहाँ से हेलीफैक्स है 1269 किलोमीटर, नियाग्रा फॉल 65 किलोमीटर, ओके नॉर्थ पोल यहाँ से है 4521 किलोमीटर और इस तरफ है वैनकोवर आई गेस 3071 किलोमीटर्स। ओके इट्स अ नाइस पॉइंट। एंड ये यहाँ पे बाइनोकुलर्स बने हुए हैं एंड यू इंसर्ट $1 कॉइन एंड उसके बाद आप यहाँ से देखिए। तो पता नहीं कैमरा से अब इसमें देखते हैं यार, कुछ दिखता है कि नहीं, दिख रहा घंटा है? ए भाई साहब, ये आँखों के लिए है, फ़ोन के लिए नहीं है। घंटा दिखेगा कुछ, ये देखिए। है ना मज़ेदार, पानी एकदम ग्रीन। ओह मैं कौन बोलेगा यार, ये लेक है। दिस इज़ दी ब्यूटीफुल एंड माइटी ओंटारियो लेक। और इस तरफ है वार्ड्स आइलैंड जो कि हम अभी थोड़ी देर में वॉक करके जाएंगे। एंड ये है दी सीएन टावर्स। एक घंटा सिंगल साइकिल का $9.50 प्लस टैक्सेस, टैंडम साइकिल जो दो लोग चलाते हैं उसका $19 प्लस टैक्सेस, $18 सॉरी। तो ऐसे ही है रेट, उसके बाद बढ़ाते चले जाइए। तो फिलहाल हम अपना पहला 11 बस नंबर बस 11 लेके नंबर बस चलते पकड़ हैं। लेके वार्ड आइलैंड की तरफ चलते हैं। अभी $10 पर हेड खर्चा करने का मन नहीं है भाई। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। सो ये डिस्क गोल्फ क्लब है, आप देख रहे हैं वो सामने में भाई साहब डिस्क फेंक के उस जाली के अंदर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं बट असफल हो जा रहे हैं हर बार। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए। और हम अभी भी ऑन द वे टू वार्ड्स आइलैंड और ये टोरंटो फायर स्टेशन नंबर 335। मस्त आवाज़ बजा के आते हैं भाई ये लोग, मतलब समझ में आता है कहीं पे आग लगा है। अब बीच बीच में जंगल वाला मस्त फीलिंग, ये देखे भाई साहब लहराते हुए एकदम झकास, गाना भी बज रहा है खुद भी लहरा रहे हैं। बीच बीच में ये देखिए बोट वोट लगे पड़े हैं यहाँ पे, ये फील आ रहा है वो एनाकोंडा वाला मूवी टाइप का एकदम, देख रहे हैं। और ये साइकिलिस्ट, ये देखिए चार चार पहिया साइकिल, बढ़िया फैमिली वाला, चार लोग आइए आराम से, चारों मेहनत से पैडल चलाइए और घूमते आइए। पूरा आइलैंड अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 किलोमीटर में आप कवर कर सकते हैं, पर वही है कि सेंटर
से आप स्टार्ट करें तो वन वे आप इधर वॉट्स आइलैंड पहले जाइए या हेलन हैनलन हैनलन आइलैंड राइट, सो वहाँ पहले जाइए। तो लोग प्रेफर करते हैं सेंटर आइलैंड आने का, क्योंकि यहीं पे बाइक बोटिंग सब कुछ मतलब यहीं पे रेंटल मिलता है, फिर यहाँ से लेके आप बाकी दोनों आइलैंड जा सकते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा भीड़ भी सेंटर आइलैंड के बोट पे ही रहती है हमेशा। और ये देखिए यहाँ पे कायाक और ये सर्फिंग बोर्ड्स है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। एंड यू कैन सी यहाँ पे लोग अपने चप्पू लेके रेडी हैं, ये शायद इस पे खड़े होके एंड यू हैव टू पैडल नहीं मतलब चप्पू चलाना होता है, एंड कायक वो है, यहाँ पे लोग आराम से चला के जा रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और ये है वॉट्स आइलैंड्स के पास का सेलिंग बोट यार्ड, एक से बढ़कर एक सेलिंग बोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और अद्भुत नज़ारा, अलग ही फील है भाई, जो भी बोलो, वो सामने में टोरंटो शहर। ये है वॉट आइलैंड का डॉक पॉइंट, एंड यहीं से हमारी कश्ती आएगी और फिर यहाँ हम बोट करके वापस चले जाएंगे। यहाँ पे वाटर टैक्सी की भी फैसिलिटी है, आई डू नॉट नो द रेट्स बट आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अपने साइकिल्स लेके भी आप आ सकते हैं इस तरफ, कोई इशू नहीं है, एंड बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, एक क्या बोलते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा माहौल, एंड वेदर ने साथ दिया, बीच में थोड़ा सा बारिश भी हुआ बट मज़ा आया। और ये देखिए फिर से टोरंटो का स्काईलाइन। आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा टोरंटो आइलैंड से, एंड इसी तरह हम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और एक्सप्लोर करिए टोरंटो, मिसिसागा एंड कनाडा के बाकी जगह। टाटा, बाय बाय।